जब भी आपको व्हाट से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज अपने दिमाग में याद रख ले कि सबसे सरल चीज आपसे पूछ ली गई है, समझ लो आप। मैंने कहा व्हाट डू यू स्पीक, ध्यान देना सभी के सभी, आपसे पूछा व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू यू वांट, आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आपसे पूछा व्हाट विल शी थिंक, वह क्या सोचती है। अब आपसे कहा इनका सबका पेस्यू बनाओ, सबसे सरल काम है इनका पेस्यू बनाना, पता है कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट से ही सेंटेंस को शुरू करना है, और व्हाट से सेंटेंस को शुरू करने के बाद जो भी उसमें हेल्पिंग वो लगती है वो लगा दो, और यू को उठा के लास्ट में रख दो। सबसे सरल काम देखो कैसे, व्हाट डू यू स्पीक प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो व्हाट इज स्पोकन बाय यू, ये व्हाट आ गया, ये इज एम आर आ गया, ये स्पोकन आ गया, बाय यू आ गया। दूसरा व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन। अब बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि आर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। आपसे कहा व्हाट शी विल थिंक, वह क्या सोचेगी, तो व्हाट विल बी थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट बाय हर। ये देखो विल का क्या हो गया, विल बी, इज एम आर का क्या हो गया, इज एम आर बीइंग, डू का क्या हो गया, इज, डू का क्या हो गया, इज। अगर आपसे व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाए तो फील योर सेल्फ फॉर्चुनेट, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू मेक, एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनते, चेक कर लेना आप, जिनको पेसी वाइज आता है उनसे पूछना यार व्हाट डू यू थिंक का पेसी क्या बनेगा, नहीं बना पाएगा वो, क्योंकि वो पेसी वाइज को इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले ढूंढेगा ऑब्जेक्ट, और उसको ये नहीं पता है कि व्हाट डू यू थिंक में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसके लिए तो व्हाट लगाते हैं हम पहली चीज। अरे जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वहीं तो हम लोग व्हाट लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट से ही सेंटेंस बनेगा। ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश लिख दो, तो देखो ना इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, या वांट की पेन लिख दो, अ पेन इज वांटेड बाय यू, या वर्क लिख दो, वर्क इज बीइंग डन बाय यू, मतलब गायब ऑब्जेक्ट ही हुआ इसलिए तो व्हाट लगाया वहां। सो दिस इज अ टेक्निक टू डू दिस थिंग्स।